गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाक्षी। और ये है शाम का टाइम 22 तारीख का, जब इतनी तेज़ बारिश हुई थी ताबड़तोड़। बस पूछो मत, कई जगह तो पानी भर गया होगा, बहुत तेज़ बारिश थी और मौसम बहुत ठंडा हो गया था। और ये है 23 तारीख सुबह, जब हम गए थे दीनदयाल सन्स की शॉप पे, जो कि बहुत ही अच्छी शॉप है, जहाँ पर बहुत सारी एसेसरीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम ये हैंडल्स चेक करने आए थे, पूरे फ्लैट में जो भी हैंडल लगेंगे वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आए थे। और इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है, अगर आपको भी यहाँ से कुछ भी चाहिए, लॉकर चाहिए या फिर कोई भी ऐसी एसेसरीज़, छोटी मोटी किचन की बास्केट्स वगैरह या फिर बाथरूम की एसेसरीज़ चाहिए, कोई भी शेल्फ टाइप चाहिए, लॉकर चाहिए आपको, या फिर कुछ भी कि आपको जैसे बाहर के जो दरवाजे हैं उन पे कुछ लगाना है, जैसे एसेसरीज लगानी है, जैसे देखो ये खटकने वाला जो है, और बाहर हम लगाते हैं गणेश जी की और उनकी पीतल की जो हमारे पास वो आती हैं छोटी छोटी सी पिक्चर्स आती हैं, वो भी यहाँ पर थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और हमें बार बार अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा था, जो भी हमें चाहिए सब कुछ था। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो, भगवान टॉकीज से थोड़ी सी पहले पड़ती है शॉप, और इस पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप चेक कर सकते हो आकर। और हमने बहुत ही हल्की और सिंपल सी जो एसेसरी ली थी हमारे फ्लैट के लिए, वो तो आप बाद में देख ही लोगे। खैर, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी एसेसरीज़ हैं जिसे आप आकर चेक कर सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और चेक कीजिएगा। और इसके बाद में हम गए थे हम अपने फ्लैट पर, जहाँ पर ऑलमोस्ट सब काम हो ही चुका है। दोनों रूम्स का हम काम पहले करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखो टीवी की कैबिनेट बनके तैयार है। अभी इसमें ग्लासेस नहीं लगे हैं, ग्लास लगने वाले हैं अभी। और ये देखो ये है ड्रेसिंग रूम, जहाँ पर हमने स्लाइडर वाली अलमीरा बनवाई है, ये वाइट कलर की। और ये है ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पर अभी मिरर नहीं लगा है, तो ये है ड्रेसिंग टेबल, और बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर। और ये देखिए ये हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पर हमने बाथरूम में भी अपने मिरर वगैरह लगवा लिए, बाथरूम को साफ़ भी करवा लिया, फिनिशिंग करवा ली है पूरे बाथरूम की अच्छे से, तो साफ़ हो गया बाथरूम। और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। और ये देखिए यहाँ पर बेड कितना प्यारा लग रहा है, बस इसके अंदर कुशन वाला काम रह गया, बाकी बेड पूरा तैयार है। और ये देखिए अलमारी, आप बताइएगा कि अलमीरा अच्छी लग रही है। गगन को ये पसंद नहीं आई है अलमीरा की मायका, तो आप बताइएगा अगर आपको अच्छी लग रही है तो बताइएगा, नहीं तो गगन तो इसे चेंज करवाने की सोच रहे हैं। और ये देखिए मैंने किचन के दरवाजे के सामने देखिए मायका में कैसे ये इतना अच्छा सा डिज़ाइन बनवाया है, और ये सब लोग पूछने आ रहे हैं कि इसमें क्या रखोगे, कैसे रखोगे और क्यों बनवाया है। तो मैंने कहा कि फाइनल देखिएगा। और यहाँ पर हम आ गए हैं इजी डे, यहाँ से हमने कुछ सामान लिया था, दलिया लिया था, कोल्ड ड्रिंक ली थी, और भी बहुत छोटा मोटा सामान जैसे चीनी, चाय पत्ती वगैरह ख़त्म हो रखी थी। तो आते वक्त में मैंने सोचा कि क्यों ना इजी डे से सब सामान ले लेते हैं, और हमारा कार्ड है ना, तो इजी डे से हमें 10% ऑफ लग जाता है, और कुछ ऑफर्स भी चल रहे होते हैं तो हमें बहुत सस्ता सामान पड़ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा ग्रोसरी का सामान हमेशा इजी डे से लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बस बिल वाला काम था, पहले मैं यहाँ पर वीडियो बनाना भूल गई थी, क्योंकि सामान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर बाद में बिलिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया। हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई, और 23 जुलाई का व्लॉग मैंने पूरे दिन का स्टार्टिंग है, आपको स्टार्टिंग का दिखाई दिया था, और स्टार्टिंग में सुबह मैं आपका अच्छे से वेलकम नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं अभी आपका वेलकम कर रही हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 23 मई है, और 23 मई के रात के 10 बज रहे हैं, 10 गगन के दोस्त आए हुए हैं, वही दोस्त आए हैं जो उस दिन आए थे जिस दिन गेम खेल रहे थे ये। और अरे यार, ये बंद क्यों हो गया? 23 जुलाई को आज है 30, तो सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको तीज बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और आज हम गए थे अपने फ्लैट पे भी गए थे, मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी, और फिर हम गए थे इजी डे गए थे, वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, क्योंकि अभी इजी डे भी बिल्कुल खाली पड़ा है। उनसे हमने कहा कि आपका अभी इजी डे इतना खाली खाली सा क्यों है, तो बोलते हैं कि अभी फिल नहीं हुआ है, जब फिल होगा पूरा तो फिर 4-5 दिन में फिल हो जाएगा। तो ज़्यादा सामान नहीं था हमारे, तो चीनी ख़त्म हो गई थी, जैसे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, बिस्किट्स ले आए थोड़े बहुत, और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके आए, बस यही सामान हमें लेके आए हैं इजी डे से, तो वो मैंने आपको शो नहीं किया अभी। और उसमें शो भी क्या करूँ यार, चीनी हम इस बारी सल्फरलेस शुगर नहीं लेके आए, क्योंकि सल्फरलेस शुगर थी नहीं उस पर, तो इसलिए हम बिल्कुल जो खुली वाली जो चीनी होती है वही लेकर आए हैं। और चाय पत्ती हम पंचामृत चाय लेके आए हैं, जिसमें इलायची, अदरक, वो सब कुछ होता है ना, सब मिक्स होता है, वो वाली चाय हम लेकर आए हैं।
और कोल्ड ड्रिंक कोका कोला लेके आए हैं, बिस्किट हम नाइस वाले लेके आए हैं जिस पे बिस्किट पे चीनी नहीं होती है, बुरकी हुई वो वाले बिस्किट लेके आए हैं। थोड़ी सी सब्जी ले ली आते वक्त, सब्जी में मैंने मतलब कि यार टमाटर 60 रुपये किलो हो गए हैं, चलो कुछ सस्ते तो हुए, पहले तो टमाटर 80 रुपये किलो चल रहे थे यार। बताओ कभी प्याज अपना भाव बढ़ा देता है, कभी क्या होता है टमाटर अपना भाव बढ़ा देता है, मुझे तो लगा था लोगों के ही भाव बढ़ रहे हैं तो सब्जियों के भी भाव बढ़ रहे हैं। बताओ तो अभी मतलब मैंने आज सब्जियाँ लेके आई, मैं लेकर आई हूँ टमाटर, लेकर आई हूँ 1/2 किलो, और लेकर आई हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मुझे पड़ी है 25 रुपये की पाव, बोल रहा था मैं 20 रुपये की पाव लेके आई हूँ। बैंगन लेकर आई हूँ और मिर्ची लेकर आई हूँ और मैं शायद बस इतना ही लेकर आई हूँ, और भिंडी लेकर आई हूँ। ये सब्जियाँ मैं लेकर आई हूँ, और सब्जी में मतलब अभी सबसे महंगा मुझे लग रहा है सिर्फ सबसे महंगा टमाटर ही चल रहा है। और अभी शाम को मैं थोड़ा फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा, पता है मैं ना अभी मतलब कि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब गगन की फ्रेंड है सोनम, उसने मुझे एक ब्रीथ का एपिसोड दिखाया था, उसके बाद में मुझे इतनी लत लग गई ना ब्रीथ की, मतलब कि मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के ब्रीथ देख रही हूँ, और अभी उसके 4 एपिसोड बाकी हैं, मैंने 8 एपिसोड देख लिए, और इतने गंदी जगह पे, पता है एपिसोड का मतलब कि जो 8th एपिसोड था उसका एंड हुआ था ना, मन तो कर रहा था कि मैं और देख लूँ, लेकिन मैं और देखती भी कैसे, 3 बज गए थे रात के, और सुबह उठ के सारा काम करना था, सब कुछ करना था, तो फिर मैं सो गई। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के जल्दी देखूँगी, और अगले दिन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, इतने ज़्यादा पंगे ना यार लाइफ में, बस पूछो नहीं। और फिर उसके बाद में अगले दिन मैंने सोचा कि देखती हूँ, तो मेरे को फ्लैट पे जाना था, फिर शाम को आई खाना वाना करके मैं इतना थक गई, फिर मैं सो गई। आज देखती हूँ 23 मई को रात को कि मैं प्रीत के 4 एपिसोड ख़त्म कर दूँ, चाहे 3 बज जाएँ, लेकिन मुझे सुबह उठ के कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं यार, 5-6 दिन हो गए मुझे कपड़े धोए हुए आई थिंक, तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे, तो देखती हूँ कल सुबह उठ के क्या होता है, कपड़े धो लूँगी। और चलिए फिर आज के लिए बस मतलब ब्रीथ देखते हैं, अभी मैंने ब्रीथ स्टार्ट किया है। और अभी रात के खाने के लिए ऐसा है कि दाल पड़ी है, 2 दालें, एक मिक्स दाल पड़ी है और एक पड़ी है दाल तड़का, दोनों दालों को मिक्स कर लूँगी और रोटी के साथ हम उसे खाएँगे, रात का खाना हमारा यही हो जाएगा। अभी आटा गूँथने वाला है, आटा गूँथ के अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ, 10:15 हो गए हैं, ठीक है, तो आटा गूंथ के भी मैं रोटी बनाती हूँ, बर्तन वर्तन मांझ के फिर मैं ब्रीथ स्टार्ट करूँगी। वैसे मैंने ब्रीथ अभी स्टार्ट कर लिया था, फिर मैंने ब्लॉग के चक्कर में ब्रीथ को बंद कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो टीवी पे खुली है, अमेज़ोन प्राइम खुलने ही वाला है, अमेज़ोन प्राइम मैंने खोल ही लिया था। और आपने मतलब आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को मेरी जो पिछली वीडियो थी कुर्ती वाली, जिसमें मैंने आपके साथ 3 कुर्तियों वाला हॉल शेयर किया था, और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, और बहुत कम टाइम में मतलब इतने सारे व्यूज़ आए, इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे लाइक्स आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होके मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, इतने प्यारे प्यारे, कल ही मेरे पास में जब मैं सुबह सुबह उठी ना, मतलब सुबह ही मैं उठी थी 8:30 बजे के आसपास उठी, और मैंने अपना इंस्टा खोला, और इंस्टा पे सबसे पहला मैसेज मैंने जो पढ़ा, उसमें आयुषी नाम की मतलब कि मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपके ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, आप अपने ब्लॉग्स को डेली डाला करें, और मुझे वो देख के इतना अच्छा लगा ना, पता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी तारीफ़ करते रहें, आपके दोस्त आपकी तारीफ़ करते रहें, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ चलो भाई मतलब तारीफ़ हुई है, वो शायद इसलिए भी है कि हम उनके दोस्त हैं, लेकिन एक अननोन पर्सन जब तुम्हारे वीडियो पर आता है और तुम्हारे वीडियो को जेन्युइनली वॉच करता है और जेन्युइनली कमेंट करके आपको ये बोलता है कि मुझे आपके व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, मुझे आपकी वीडियोस देखना पसंद है, और फिर आगे से मतलब लोग मुझे सजेशन देते हैं ना, वो तो मुझे हमेशा, मैं उसके लिए अपने मतलब दरवाजे खुले रखती हूँ। ने मुझे बोला डेली ब्लॉग्स डाला करो ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी मुझे इस तरीके से सजेशंस दे सकते हो। और पता है एक रिमी है, रिमी नाम की मेरी जो व्यूअर है वो है पाकिस्तान से, वो भी मतलब कि मुझे सजेशंस देती रहती हैं कि मैं अपने फ्लैट के लिए कहाँ से शॉपिंग कर सकती हूँ और कहाँ से आइडियाज़ ले सकती हूँ। सच में यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पता नहीं ज़्यादा क्यों कहती हूँ मैं, पता है बचपन से ही ना मतलब वो ज़्यादा मतलब पंजाबी हूँ ना, तो मेरे घर पर सब लोग ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी जो मेरे हस्बैंड है ना,
वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो उसकी वजह से मैं सब सीख गई हूँ। हाँ, और अभी वॉइस ओवर भी पड़े हैं मेरे पास, पता है एक बड़ा वॉइस ओवर आया और एक छोटा वॉइस ओवर है, तो अभी रात को वो भी करके सोना है। पता नहीं मैं ब्रीद आज देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, मुझे ये पता नहीं, मतलब मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ब्रीद देख पाऊँगी क्या? आपको क्या लगता है? लगता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं देख पाऊँगी, क्योंकि अभी तो इनके दोस्त यहाँ पर हैं, ये जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे, खाना करके सब कुछ मैं किचन विचन समेटूंगी, किचन विचन समेट के फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी। वॉइस ओवर करने के बाद में 12-1 बज जाएंगे, उसके बाद में मैं 4 एपिसोड तो कभी नहीं देख पाऊँगी, शायद 1 या 2 एपिसोड देख लूँ, रात को 1 एपिसोड देख पाऊँगी, और उसके बाद में फिर मुझे लगता है कि मुझे इसको कल के भरोसे छोड़ना पड़ेगा। एक आर फैमिली ब्लॉगर हैं कानपुर से, उनकी बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं, मतलब कि देख के मज़ा आता है। और भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, एन ब्यूटीफुल नाम से भी एक मतलब कि व्यूअर हैं, वो भी वीडियोस डालती हैं, तो उनकी भी वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होते हैं, व्लॉग्स नहीं होते हैं, इन्फॉर्मेशनल होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके वीडियोस देखना। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ ये गपशप करने आई थी, सुबह का मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि मैं सुबह मतलब कल बारिश हो रही थी शाम को, तो वो वाला व्लॉग मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया था। उसके बाद में हम गए थे सुबह दीनदयाल एंड सन्स पे, भगवान टॉकीज से थोड़ी सी पहले ही है, कमला नगर से निकल के भगवान टॉकीज की तरफ जाते हैं ना, तो वहीं पर दुकान पड़ती है उनके पास में। जनरली यार सब कुछ है यार, मतलब कि चाहे आपको हैंडल्स चाहिए हो, आपको कुछ भी चाहिए हो किचन से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड, कुछ भी बात, और ये पर्दे वगैरह वाला भी सारा सामान उनके पास है। आपको भी अगर मतलब कि ज़रूरत पड़े ना, अगर आप आगरा से हो और आपको भी ज़रूरत पड़े ऐसी चीज़ों की, तो आप किसी और शॉप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा दीनदयाल एंड सन्स पे जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम वो वहाँ पे हल कर देंगे। और वैरायटी यार, वैरायटी एक नंबर थी उनकी यार, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी। पता है दोनों रूम्स में ही सब काम करवा रहे हैं, दोनों रूम और किचन में हमने अपना मतलब कि फर्नीचर का काम करवा दिया। अभी थोड़ा सा पैसे की शॉर्टेज हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने हॉल को मतलब हॉल में सोफ़ा और डाइनिंग टेबल और उसका जो भी फर्नीचर का काम है वो बाद में करवाएंगे, अभी थोड़ा रुक जाते हैं। जितनी मतलब कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ना, तो थोड़ा सा रुकना ही पड़ता है। और अभी मतलब ये भी तो देखना है ना यार कि लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब अभी अकाउंट में भी पड़ा रहे पैसा तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं है ना कब फिर से लॉकडाउन हो जाए और फिर से सब कुछ ऐसे हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। तो अभी इसलिए हमने हॉल का काम छोड़ दिया, और वैसे भी हम तो दो ही लोग रहते हैं, तो हमें इतनी हॉल की ज़रूरत नहीं है अभी, और लॉकडाउन में वैसे भी अभी कोई नहीं आ रहा है किसी के घर पर भी, तो इसलिए हमें इतने मतलब अभी हॉल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा बजट हमारा अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में हम सोफ़ा लेंगे, डाइनिंग टेबल अभी हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी, शायद हम 1-1.5 साल बाद लें, और हो सकता है गगन को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है डाइनिंग टेबल का, हो सकता है कि हम ले ही लें अगले 2-3 महीने में, मतलब दिवाली से पहले ले लेंगे ये चीज़ें, दिवाली से पहले हम अपना हॉल तैयार कर लेंगे। तो अभी देखते हैं, बाकी हमने एक बार हमने अपना कारपेंटर वाला जो काम है वो वाला रुकवा दिया है, मतलब कि काम चल रहा है जो भी है, मतलब वो ख़त्म हो गया, बस वही काम करवाएंगे। उसके बाद में हम अपना मतलब पेंट वेंट वाला काम करवा के वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कल परसों से शायद मैं पूरी पैकिंग की जो ब्लॉग्स हैं वो आने लगे, आई थिंक मुझे लगता है मुझे परसों तरसों से पैकिंग के ब्लॉग स्टार्ट कर देने चाहिए अपने, तो देखते हैं फिर। और वहाँ पर बाथरूम वगैरह की सफाई हमने करवा ली है, और बस मतलब सफाई हो गई है, बस वहाँ पर जो मतलब मिरर्स वगैरह हैं, शीशे वगैरह हैं, वो साफ़ करने वाले हैं, वो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे जाके ही साफ़ करेंगे, एक बार अलमीराज और बेड वगैरह साफ़ कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज आपसे बहुत सारी बातें हो गई। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी प्यारे से अच्छे से छोटे से व्लॉग के साथ। कोशिश करती हूँ कुछ छोटा सा व्लॉग रखूँ ताकि आप बोर ना हो। तो चलिए फिर चलते हैं, बाय।